हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब एनायन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कार्ब एनायन के बारे में कि कार्ब एनायन क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्ब एनायन। अगर हम बात करें कार्ब एनायन से, कार्ब एनायन होते क्या हैं, तो इसके अंदर क्या कहता है कि दीज आर द केमिकल स्पीसीज विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। आर नोन एज कार्ब एनायन। ठीक है ना, क्या कहता है कि वो केमिकल स्पीसीज जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज जो एटम रहेगा ना उसके वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो उस टाइप की जो स्पीसीज आती है उनको हम क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आ गया CH3-। ठीक है, तो CH3- जो होता है ये हमारे पास क्या आएगा, कार्बन, और कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। ठीक है, तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 के अंदर, तो CH3 में जो आपका कार्बन एटम है उसकी वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना, तो इस टाइप से कार्बन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इस टाइप की जो स्पीसीज आती है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। ठीक है ना, इसके बाद में कहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, यानी जो आपके कार्ब एनायन होते हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे कार्ब एनायन बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर कहता है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक These are formed by heterolytic cleavage of covalent bond. यानी जो हमारा covalent bond होते हैं, covalent bond के cleavage से, और कौन सा cleavage होना चाहिए, heterolytic cleavage होना चाहिए, वहां से जो कार्ब एनायन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी वहां से जो केमिकल स्पीसीज बनेंगे उसको हम क्या बनेंगे, कार्ब एनायन। ठीक है ना, अब इसके अंदर देखो जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कार्ब कैटायन, कार्बो कैटायन और कार्ब एनायन के अंदर दोनों की जो फॉर्मेशन है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से ही होती है। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड के साथ में 2 एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों एटम के अंदर जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके साइड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन ले लेते हैं कि इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, बी के ऊपर, तो ए के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बी के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो यहीं से हमारा कार्बो कैटायन बनता है और यहीं से हमारा कार्ब एनायन बनता है।
समझ में आ गया सभी को। तो ये क्या कहता है कि जो कार्बन कैटायन और कार्बन एनायन की फॉर्मेशन होती है वो हमेशा किससे होती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से होगी। क्लियर है। इसके बाद में कहता है कि यहाँ से जो आपका नेगेटिव स्पीसीज बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, कार्ब एनायन, और जो पॉजिटिव स्पीसीज बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, कार्बो कैटायन। ठीक है ना। तो फॉर्मेशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर फॉर्मड बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो वहां पे फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बो कैटायन और कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होगी। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो कैटायन, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो एनायन, आगे जो हमारा आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है, यानी जो आपके कार्ब एनायन होते हैं इनका क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन कैसे, किस 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 टाइप इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो इसके अंदर कहता है कि दीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। क्या कह रहा है कि जो आपके कार्ब एनायन होते हैं इनको मेनली थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है प्राइमरी कार्ब एनायन। क्या आएंगे, प्राइमरी कार्ब एनायन। तो अगर बात करें प्राइमरी कार्ब एनायन की, तो यहां से देखो प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, दोज केमिकल स्पीसीज इन विच, दोज केमिकल स्पीसीज इन विच द नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इज अटैच्ड विद ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ओनली वन एल्काइल ग्रुप, आर कॉल्ड प्राइमरी कार्ब एनायंस। क्या कह रहा है कि वो केमिकल स्पीसीज जिनके अंदर जो आपका नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम होता है वो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा, उस कार्ब एनायन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्ब एनायन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 और इसके साथ में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3 CH3 नेगेटिव, नहीं तीन लिखोगे तो ये आएगा, इसमें टू ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो देखो हमारा कार्बन हो गया नेगेटिव चार्ज के साथ में, ये दो हाइड्रोजन से अटैच है और एक CH3 ग्रुप से अटैच है। ये जो हमारा CH3 ग्रुप है इसको हम क्या मान के चलेंगे, एल्काइल ग्रुप। CH3 ग्रुप पर हमारा क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप रहेगा। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है आपका ये सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे जो कार्बन है वो एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो इस टाइप के जो कार्बन आयन बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन आयन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्ब एनायन। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद में हमारे पास आते हैं इसका सेकेंडरी टाइप, वो होता है सेकेंडरी कार्ब एनायंस। सेकेंडरी कार्ब एनायंस की अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्ब एनायन क्या रहेंगे, प्राइमरी के अंदर एक एल्काइल ग्रुप था तो सेकेंडरी में कितने आ जाएंगे, दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे दो केमिकल स्पीसीज इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज
इज अटैच्ड विद टू एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। इसमें क्या कह रहा है कि सेकेंडरी कार्बनायन कौन से रहेंगे? वो कार्बनायन जिनके अंदर नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम जो है वो टू एल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा। इस टाइप के जो कार्बन आयन बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन आयन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें CH3, CH2, CH3, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस कंपाउंड या केमिकल स्पीसीज के अंदर ये जो हमारा एक अल्काइल ग्रुप हो गया और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप हो गया, और ये हमारा क्या है? नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो आपका जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम है दो अलग अलग या सेम अल्काइल ग्रुप से अटैच रहे, तो उस टाइप के जो कार्बन आयन बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन आयन। समझ में आ गया सभी को? अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है थर्ड, टर्शरी कार्बन एनायन। तो अगर हम बात करें टर्शरी कार्बन आयन की कि टर्शरी कार्बन आयन क्या रहेंगे, तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज केमिकल स्पीसीज, या फिर सीधा लिख लेते हैं हम केमिकल स्पीसीज इन विच नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इज अटैच्ड विद थ्री अल्काइल ग्रुप। आर कॉल्ड टर्शरी कार्बन एनायन। इसके अंदर क्या कहता है कि जो आपके केमिकल स्पीसीज जिनके अंदर नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम है वो थ्री अल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बन एनायन। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है, नाइन माइनस चार्ज है, और यहाँ पे CH3 है, इधर भी CH3 है, और इधर भी क्या है इसके? CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है वो थ्री अल्काइल ग्रुप से अटैच है, प्लस अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टू एंड टू फोर एंड टू सिक्स एंड टू सॉरी टू टू फोर टू सिक्स एंड टू एट। ठीक है, एट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच है, जो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे कार्बन आयन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन आयन। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन। इसके बाद में आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी की हम बात करें कि जो कार्बन आयन है उनकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, इसके अंदर कहता है जो कार्बन आयन है ना वो उनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है वो कार्बो कैटायन का एकदम रिवर्स होता है। क्या रहेगा? कार्बो कैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा उसका रिवर्स किसका रहेगा? कार्बन आयन का। ठीक है, तो कार्बो कैटायन का अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देखे, हमने पढ़ा था टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और फिर मिथाइल। ये किसके लिए स्टडी किया था हमने? कार्बो कैटायन्स के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या कहता है जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो इसके रिवर्स होती है। क्या होती है? इसकी रिवर्स। तो वो देखिए कैसे आएगी हमारे पास में। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो आ जाएगा सबसे पहले आएगा मिथाइल, मिथाइल कार्बन आयन। उसके बाद आएंगे प्राइमरी कार्बन आयन, उसके बाद आएंगे सेकेंडरी कार्बन आयन, और सबसे कम स्टेबल होते हैं टर्शरी कार्बन आयन। कौन से रहेंगे? टर्शरी। ठीक है,
ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों आता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। किसे स्टडी करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं मिथाइल कार्बो कैटायन, मिथाइल कार्बो एनायन। तो मिथाइल कार्बो एनायन हमारे पास ये हो जाएगा CH3, 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। इसकी स्टेबिलिटी कहता है सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी? प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या आएगा? 2 तो हाइड्रोजन आएंगे और एक आपका एल्काइल ग्रुप आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये हमारा कौन सा हो गया? प्राइमरी। इसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगी वो किसकी आएगी? सेकेंडरी की। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा? 2 एल्काइल ग्रुप और एक क्या रहेगा आपके पास में? हाइड्रोजन रहेगा। 2 एल्काइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में जो स्टेबिलिटी आती है वो आती है कार्बन और इसके साथ में 3 एल्काइल ग्रुप और 2 इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके अंदर ये है हमारा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें हम स्टडी कैसे करेंगे? इसको इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, क्या कहता है कि जब किसी भी कार्बन के साथ में कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच है, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो हमारा आर ग्रुप अटैच है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब ये आर ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। और ये कार्बन एन स्टेबल कब रहेगा? जब इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, उस टाइम पे क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्लियर है सभी को? तो यहां से ये क्या कर रहा है? ये एल्काइल ग्रुप है वो। हाँ तो बच्चों अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है? कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना ये क्या होगा? डिस्टेबल होगा, या डिस्टेबलाइज होगा, या अनस्टेबल होगा। समझ में आ गया सभी को? तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या करते हैं? डोनेट इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। यानी आपका जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है उसको ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जिसकी वजह से उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और वो डिस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पे अगर हम देखें इस मिथाइल के अंदर, अगर हम देखें तो इस मिथाइल के अंदर कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच ना होने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, और जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इंक्रीज हो नहीं रहा है तो स्टेबल रहेगा ये। उसके बाद कहते हैं प्राइमरी एल्काइल, जो प्राइमरी कार्बन आयन होते हैं हमारे, प्राइमरी के अंदर क्या होगा? एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये एल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब कार्बन आयन क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे एक अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये इससे तो कम स्टेबल रहेगा, लेकिन इनसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, इधर हमारे पास कितने हैं? 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एक साथ में, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें टर्सरी के अंदर, सेकेंडरी हो गया, इसके बाद में टर्सरी की अगर हम बात करें तो टर्सरी के अंदर क्या है? 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसके अंदर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर ये तीनों एल्काइल ग्रुप इसको जब ये तीनों एल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतनी कम क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि जो टर्सरी कार्बो एनायन होते हैं वो बहुत कम स्टेबल होते हैं, लेकिन मिथाइल कार्बन एनायन क्या रहेगा? ज्यादा स्टेबल रहेगा। समझ में आ गया सभी को? ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं,
और इसको नोट कर ले, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब एनायन। तो अगले जो हमारे टर्म आते हैं वो आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब एनायन, यानी जो आपके कार्ब एनायन है उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कोई भी कंपाउंड या कोई भी केमिकल स्पीसीज है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है उसका रिवर्स क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी। समझ में आ गया? क्योंकि अगर कोई भी चीज स्टेबल है तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगी, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना कम क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, और जो जितना कम रिएक्टिव रहेगा वो उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके अंदर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन मिलेंगे हमें, टर्शरी कार्ब एनायन। कौन मिलेंगे? टर्शरी कार्ब एनायन। उसके बाद में आएंगे सेकेंडरी कार्ब एनायन, फिर आएंगे प्राइमरी कार्ब एनायन, और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है वो होता है मिथाइल कार्ब एनायन, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ गया सभी को? तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो कार्ब एनायन होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सेंट्रल एटम, इसके साथ में यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, तीन सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, तीन सिग्मा बॉन्ड, और एक आपको क्या मिलेगा, पाई ऑर्बिटल मिलेगा जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स फिल रहे। समझ में आ गया? ठीक है ना, जो कार्बन एनायन है उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, तीन तो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है, पाई ऑर्बिटल आ रहा है जो दो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है कितने ऑर्बिटल हो गए, एक दो तीन चार, यानी एक एस और तीन पी। तो ये जो हमारा कार्बन है ये क्या है, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या आएगा ये, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल मिलेगा वो कितना रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद कहते हैं इसकी जो शेप आती है वो मेनली टेट्राहेड्रल शेप आती है। कैसी शेप आएगी, टेट्राहेड्रल। तो इसकी जो शेप रहेगी हमारे पास, शेप क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं इट कंटेन्स थ्री सिग्मा बॉन्ड। तीन तो क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, और वन क्या रहेगा, पी ऑर्बिटल विच कंटेन्स कंटेनिंग एन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर पर। समझ में आया है सभी को? तो ये जो स्ट्रक्चर आएगा ये हमारा किसका स्ट्रक्चर आएगा, कार्ब एनायन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो कार्ब एनायन की, कार्ब एनायन क्या होते हैं और उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या स्टेबिलिटी है और क्या उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।